Assalamu alaikum dear students, this is Sir Mohsin. I welcome you with another lecture. So your today's lecture is linking verb, lesson number 10. Okay, I am going to teach you. A linking verb is a verb that links together two nouns or pronouns which refer to the same thing or a noun or pronoun and an adjective which modifies it. The most common linking verb is the verb to be. Linking verb kya hote hain? Link ke maane hote hain jodna. तो लिंक क्या कर रहा है, ये किसी वर्ब के साथ जो है लिंक करता है, या तो किसी दो नाउन के साथ या किसी दो प्रोनाउन के साथ. वो वर्ब जो लिंक करें किसी दो नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, ठीक है, यानी कि राबता कायम करें या जोड़ें, जोड़ने को कहते हैं बेसिकली. तो वो बी वर्ब होते हैं, जैसे कि इज़ एम आर. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इज़ देखें, ये क्या है, लिंक वर्ब है. द बॉय इज़ अ स्टूडेंट. अब बॉय क्या है, नाउन है, और स्टूडेंट भी क्या है, नाउन है. इन दोनों को इसने क्या किया, जोड़ दिया बी वर्ब ने. तो ये क्या हो गया, इज़ जो है ये कि लिंक वर्ब हो गया. सेकंड क्या है, इट इज़ आई. इट क्या है, ये प्रोनाउन है, और आई भी क्या है, प्रोनाउन है. तो इसलिए इज़ ने जोड़ दिया उन दोनों को. द गिल्टी वन इज़ ही. इसमें गिल्टी क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है. तो एडजेक्टिव को भी ये बयान करता है और प्रोनाउन को भी. जिस तरह ही इज़ द कल्प्रिट. कल्प्रिट यहाँ पर क्या है, नाउन है, और ही क्या है, प्रोनाउन है. तो इन दोनों के दरमियान इसने क्या कर दिया, जोड़ दिया इन दोनों को. द बॉय इज़ डिलीजेंट. यहाँ पर द बॉय नाउन है और डिलीजेंट क्या है, एडजेक्टिव है. तो उन दोनों को इसने जोड़ दिया, तो ये इज़ है. शी इज़ एट्रैक्टिव. एट्रैक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है, और शी क्या है, प्रोनाउन है. तो इन दोनों को जोड़ दिया, तो इसलिए ये कहलाते हैं लिंक वर्ब, ठीक है. द वर्ब टू बी इज़ ऑलवेज अ लिंकिंग वर्ब एक्सेप्ट वैन इट इज़ यूज एज एन ऑक्सिलरी, एज इन एग्जाम्पल वन बिलो, और वैन इट इज़ फॉलोड बाई एन एडवर्ब एज इन एग्ज़ाम्पल टू. अच्छा, ये जो इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब कहा कहते हैं हम. यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ लिंक वर्ब नहीं है. ही इज़ स्टेइंग हेयर, ठीक है. यहाँ पर इज़ क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है. सेकंड क्या है, ही इज़ हेयर. ये इज़ यहाँ पर ये एज अ एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है. हेयर के यहाँ पर आ गया, इसलिए एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है. देयर आर सम अदर वर्ब्स विच कैन बी यूज एज लिंक वर्ब्स. एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर सीम, अपेयर, रिमेन, ग्रो, बिकम, गेट, फील, लुक, साउंड, टेस्ट एंड स्मेल. ये सारे कौन से वर्ब हैं, ये भी लिंक वर्ब हैं, लेकिन ये स्टेट को बयान करते हैं, ठीक है, ये एक्शन वर्ब नहीं है. ये भी सारे लिंक वर्ब हैं. वैन यूज एज लिंकिंग वर्ब्स दे एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट रादर देन एन एक्शन परफॉर्म बाई इट. जैसे कि बताया मैंने आपको कि ये स्टेट के तौर पर काम करते हैं, ठीक है, एक्शन के तौर पर काम नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल द बॉय सीम्स हैप्पी. लड़का जो है वो खुश दिखता है, तो सीम्स हैप्पी. इसी तरह द बॉय फील्स हैप्पी. इसी तरह द बॉय लुक्स हैप्पी. तो ये तीनों वर्ब कौन से हैं, ये स्टेट बयान कर रहे हैं, किसी शख्स की हालत बयान कर रहे हैं. द मैन अपेयर्स और अपेयर्स द लीडर, या फिर द मैन रिमेन्स द लीडर, या फिर द मैन बिकम्स द लीडर, ठीक है, ये तीनों भी स्टेट को बयान कर रहे हैं. द फूड लुक्स गुड, द फूड टेस्ट इज़ गुड, द फूड स्मेल्स गुड. तो ये तीनों भी क्या है, स्टेट को बयान कर रहे हैं, हालत को बयान कर रहे हैं, ठीक है. ऑल दीज वर्ब्स विच कैन बी यूज्ड एज लिंकिंग वर्ब्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ऑर्डनरी वर्ब्स. कंपेयर द सेंटेंसेस इन ईच ग्रुप बिलो. अच्छा, बोला गया है इसमें कि ये कंपेयर करें नीचे दिए गए सेंटेंस को. ये ऑर्डनरी वर्ब्स के तौर पर भी काम हो सकते हैं. कौन से वर्ब, लुक. दे लुक टायर्ड. यहाँ पर क्या है, स्टेट है. ये एक्शन के तौर पर भी काम हो सकता है, लुक. दे लुक इनसाइड द बॉक्स. यहाँ पर क्या है, ये एक्शन के तौर पर काम आ रहा है. दे लुक एट द पिक्चर. यहाँ भी क्या है, ये एक्शन है, ठीक है. यहाँ पर स्टेट है फर्स्ट सेंटेंस में, बाकी दो में क्या है, ये एक्शन है. सेंटेंस नंबर टू है, द मैन ग्रीव इम्पेशेंट. यहाँ पर ये स्टेट है. द चाइल्ड ग्रीव क्विकली. ये भी क्या है, यहाँ पर स्टेट है. द फार्मर ग्रीव मैनी किड्स मैनी काइंड ऑफ वेजिटेबल्स. द फार्मर ग्रीव मैनी काइंड ऑफ वेजिटेबल्स. यहाँ पर ग्रीव उगाना है, यानी कि वो बहुत सारी सब्जियाँ उगाता है, कई किस्म की सब्जियाँ उगाता है. तो यहाँ पर ये एक्शन है. फर्स्ट टू सेंटेंस में ये जो है स्टेट है, तो थर्ड सेंटेंस में क्या है, ये एक्शन है, ठीक है. चलें हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. नेक्स्ट पेज पे क्या बोला गया है, इन ए वन ए एंड टू ए, जो पूरी बात बोली गई थी, जो मैंने समझा दिया गया है. पीछे बोला गया है कि वो जो पहले सेंटेंस में क्या था, वो स्टेट था. दूसरे में क्या था, वो एक्शन था, जो मैंने नीचे आपको पिछले पेज पर बता दिया है. नेक्स्ट देखें, दे आर टायर्ड. यहाँ पर क्या है, ये जो हालत बयान कर रहा है, ठीक है. द मैन वॉज इम्पेशेंट. यहाँ से बोला गया, द लिंकिंग वर्ब्स कैन बी रिकग्नाइज बिकॉज दे हैव द सेम फंक्शन एज द वर्ब टू बी. इन एग्जाम्पल वन
एंड टू ए, देयर फोर द वर्ब्स कैन बी सब्सटीट्यूट बाय द वर्ब टू बी इन दिस वेज। ठीक है, ये एडजेक्टिव के साथ भी आ सकता है ये, ठीक है, ये प्रेजेंट में भी है और ये पास्ट में भी है, तो ये स्टेट वर्ब बयान करता है, यही बोला गया इसके अंदर। नेक्स्ट देखें, नोट दैट द सेम थिंग कैन नॉट बी डन विद द वर्ब्स इन द अदर सेंटेंसेस, और ये चीज़ें दूसरे जुमलों में नहीं की जा सकती। ठीक है, कहीं पर ये जो है एक्शन वर्ब भी होते हैं और स्टेट वर्ब भी होते हैं, लेकिन जो स्टेट वर्ब जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इज एम आर, वॉज वर, इज एम आर और वॉज वर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया, ये पूरा लिंक वर्ब के बारे में बोला गया, अ लिंक वर्ब, अ लिंकिंग वर्ब एज वी हैव सीन इज फॉलोड बाय द इधर अ नाउन और प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। ठीक है, लिंक वर्ब इन तीनों को जोड़ता है। दिस नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट सिंस इट कम्प्लीट्स द सेंटेंस विच वुड बी इनकम्प्लीट इफ इट एनली एंड्स विद द लिंकिंग वर्ब, दस द लिंकिंग वर्ब इज फॉलोड बाय अ कॉम्प्लीमेंट विच मे बी इधर अ नाउन और प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव, अनलाइक द ट्रांजिटिव वर्ब विच इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। अ लिंकिंग वर्ब इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब सिंस इट हैज़ नो ऑब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, वो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्योंकि ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडजेक्टिव होंगे, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन होगा, इसमें कभी भी जो है एक्शन वर्ब नहीं आता, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ये इनट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपका होम असाइनमेंट है, आपको एक्सरसाइज 1 करनी है, देन एक्सरसाइज 2 करनी है, देन नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज 3। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टिल देन, नेक्स्ट वीक में मिलेंगे नेक्स्ट।